मैं थक कर घर आता था तो सुलाता था घर, थक कर घर आता था तो सुलाता था घर, आज भी हर मुसीबत से बचाता है घर। बाहर खतरा मंडरा रहा है बचना है हमें, बाहर खतरा मंडरा रहा है बचना है हमें। एकजुट कैसे हो ये सिखाता है घर, एकजुट कैसे हो ये सिखाता है घर। बचपन गुजरा जो जैसे बहुत पुरानी बात, बचपन गुजरा जो बहुत पुरानी बात, आज याद बचपन की दिलवाता है घर, आज याद बचपन की दिलवाता है घर। अमिताभ बच्चन की ये लाइनें बहुत ही सुंदर लाइनें जो है आज के पेपर में आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण में अमिताभ बच्चन जी ने ये सुंदर लाइनें बोली हैं। चूँकि आप घरों में हैं सब कोई, तो ये बात तो होगी ही कि आप जो है देख करके आपको अपने बचपन की याद आती होगी। घरों को ये 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है जैसा कि आप सबको पता है, तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें, एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी का फ़र्ज निभाएं। सो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत है धैर्य क्लासेस में। आज हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ CRT, द सब्जेक्ट इज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। दिस इज लेक्चर नंबर 7 और आज का डेट है 29 मार्च 2020। तो जैसे कि मैं लास्ट टाइम में देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था CRT कैथोड रे ट्यूब, जो कि CRO का हृदय होता है, तो उसका फर्स्ट जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, या फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। दूसरा था इसका डिफ्लेक्शन प्लेट, देन था स्क्रीन, देन था ग्लास एनवलप, और लास्ट में था उसमें बेस जिससे हम लोग कनेक्शन देते हैं। चूंकि इसके नाम से पता है एक गन है इसमें बीच में, गन मतलब बंदूक होता है, और सामने है इसके इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा बंदूक जिससे इलेक्ट्रॉन निकले। अगर नॉर्मली, अगर जनरली किसी को समझना हो तो इस टाइप का समझ सकते हैं कि ऐसा बंदूक जिससे इलेक्ट्रॉन निकले। असेंबली ये है क्योंकि ये बहुत सारे अदर पार्ट्स का भी कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड असेंबली। जैसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम लेने जाते हैं तो बोलते हैं कंप्यूटर को, मीन्स कंप्यूटर को क्या करना चाहिए, असेंबल्ड कर दे बोलते हैं, तो उसमें कीबोर्ड भी आता है, माउस भी आता है, CPU भी आता है, मॉनिटर भी आता है, लाइक दैट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड असेंबली, बहुत सारे चीज़ों का समूह, तो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। सो लेट अस सी, द सोर्स आर फोकस्ड एंड एक्सेलरेटेड हाई वेलोसिटी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम इज इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन से हम लोग को फोकस्ड और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम की प्राप्ति होती है, जो कि सफिशियंट एनर्जी के साथ सामने जाता है और स्क्रीन में टकरा करके लुमिनस स्पॉट प्रोड्यूस करता है। सो द इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रॉन गन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेट अस सी। फर्स्ट वन इज हीटर, देन कैथोड, देन कंट्रोल ग्रिड, और लास्ट वन है 3 एनोड रहते हैं इसमें, शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पे, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड। तो 3 एनोड हैं, कंट्रोल ग्रिड है, कैथोड है, हीटर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हीटर और कैथोड के बारे में कि उसके वर्किंग क्या होते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस चीज़ से मिलके बना होता है, उसका साइज कैसे होता है और उसका शेप कैसे होता है। सो लेट अस सी वन बाई वन। फर्स्ट वन इज हीटर एंड कैथोड। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं हीटर और कैथोड के बारे में। जैसे कि आपको पता है, आप ये डायग्राम लेकर के जो है सामने बैठिएगा, बैठ के पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक डायग्राम ले लीजिए आप, फर्स्ट में आपका था हीटर था और कैथोड था इसी के साथ में, देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप का इसका शेप था, हीटर और कैथोड इस टाइप का कुछ था, देखेंगे आप डायग्राम लेके बैठिएगा समझ में आएगा। सो शुरू करते हैं हीटर एंड कैथोड। तो हीटर और कैथोड में फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड। कैथोड क्या रहेगा, इनडायरेक्टली हीटेड रहेगा, नोट डाउन द थिंग्स, इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड। अलेयर आप बेरियम एंड स्ट्रॉन्टियम ऑक्साइड, यही सब डाटा है जो कि प्रदर्शित करता है कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। अगर आप कॉपी में इस टाइप का डाटा लिखेंगे तो ही आपको प्रदर्शित करेगा, यही चीज़ें आपको प्रदर्शित करती हैं कि यही जो है चिक चिक के बोलेंगे कि हाँ सामने वाला ने कुछ पढ़ा है। तो डाटा आपको जो है याद रहने चाहिए, डाटा आप लिखिए। ऑक्साइड इज डिपॉजिटेड ऑन द एंड ऑफ कैथोड, कैथोड के एंड में, विच इज सिलेंडर, जो कि शेप क्या होता है, उसकी कलाकृति कितनी होती है, सिलेंडर जैसे होता है, द कलाकृति जस्ट लाइक ए सिलेंडर। टू ऑब्टेन ए हाई इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, शेप कैसा रहेगा, सिलेंडर रहेगा, बेरियम और स्ट्रॉन्टियम ऑक्साइड की रहेगा, और इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड रहेगा ये, ठीक है। तो टिपिकल वैल्यूज ऑफ करेंट एंड वोल्टेजेस, 600 mA एट 63 volts जनरल का है, जनरल टाइप का है, 300 mA एट 6.3 volts हाई इफिशेंसी सिस्टम के लिए, और 140 mA एट 1.5 volts स्पेशल लो पावर सिस्टम के लिए। तो ये डाटा भी आपको याद करने पड़ेंगे, ये डाटा है, ये डाटा में से तीनों याद आ गए तो सही है, दो याद आ गए तो सही, एक याद आ गया तो और भी सही, ओके। सो लेट अस सी सेकंड वन, कंट्रोल ग्रिड।
दूसरा देखते हैं हम लोग कंट्रोल ग्रिड, हीटर और कैथोड के बाद हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल ग्रिड। द इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू ए स्मॉल होल इन कंट्रोल ग्रिड। सबके सब पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिए, एक बार नहीं समझ आ रहा है वीडियो दो बार देखिए, तीन बार देखिए। स्मॉल होल रहेगा कंट्रोल ग्रिड में जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पास होगा। द कंट्रोल ग्रिड इज यूजुअली अ निकल सिलेंडर, ध्यान रहे सब महत्वपूर्ण बिंदु है, सब निकल सिलेंडर है विथ ए सेंट्रली लोकेटेड मतलब बीच में लोकेटेड, बीच में स्थित होल, कोएक्सियल विथ सीआरटी एक्सिस, सीआरटी एक्सिस के एक ही एक्सिस में रहेगा, कोएक्सियल रहेगा, ठीक है, कोएक्सियल केबल देखे हो एक ही एक्सिस में, कोएक्सियल विथ किसके साथ कोएक्सियल करेगा, सीआरटी के एक्सिस के साथ, जो भी सीआरटी एक्सिस रहेगा उसी में कोएक्सियल करेगा। दिस इज यूजुअली मेटल का, मेटल की टोपी होती है, धातु की टोपी, आप क्या रहेगा उसका, लो परमियाबिलिटी स्टील रहेगा, अबाउट 15 mm इन डायमीटर, उसका व्यास कितना है 15 mm, ध्यान रहे, एंड 15 mm लॉन्ग, लंबाई भी 15 mm, एंड अपर्चर आप अबाउट 0.25 mm, अपर्चर मतलब जस्ट होल, छिद्र होगा, ठीक है। इज ड्रिल्ड, तो ड्रिल्ड करेंगे कितना का छिद्र करेंगे, कितना का ड्रिल करेंगे, 0.25 mm का ड्रिल करेंगे। इन द कप ऑफ ग्रेड फॉर इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू इट, इलेक्ट्रॉन को उसमें फ्लो करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कंट्रोल ग्रिड का, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड बाई सीजी, छत्तीसगढ़ नहीं कंट्रोल ग्रिड, ओके, सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड बाई कंट्रोल ग्रिड, डोंट फॉरगेट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सीआरओ के फ्रंट पैनल पे जो भी अगर इंटेंसिटी का बटन दिया है वो किससे कनेक्टेड है, बोलने से कंट्रोल ग्रिड से कनेक्टेड है, डोंट फॉरगेट, ओके। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं एनोड्स के बारे में, देखते हैं तीन एनोड्स, तो अब देखते हैं हम लोग एनोड के बारे में, तीन टाइप के एनोड थे याद होगा तो। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड पासिंग थ्रू होल इन कंट्रोल ग्रिड, यहां तक तो पढ़ लिए, आर एक्सेलरेटेड बाई, इसका मुख्य काम क्या होगा, इन लोग का मुख्य काम एक्सेलरेशन देना, एक्सेलरेटेड बाई द हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या रहेगा, हाई रहेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा, विच इज अप्लाइड टू प्री एक्सेलरेटिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग एनोड, दो एनोड है, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग एनोड। आप सोच रहे होगे कि फोक्सिंग एनोड नहीं है, फोक्सिंग एनोड का क्या काम, जिस टाइप का मेडिकल में जो है सैनिटाइजर का क्या काम, तो तुम लोगों को पता ही है सैनिटाइजर का क्या काम है उसी टाइप का, तो इसको जो है फोक्सिंग एनोड, जो है फोक्सिंग एनोड का मेन जो काम होता है, द इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस्ड, इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है। तो सीआरओ के फ्रंट पैनल पे जो भी एनोड रहेगा, जो भी पॉइंट रहेगा फोकस करने के लिए, वो किससे कनेक्टेड रहेगा, फोक्सिंग एनोड से, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फोकस देगा। दो प्रकार के फोकस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोक्सिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग। सो द एक्सेलरेटिंग एंड फोक्सिंग एनोड्स आर सिलेंड्रिकल एंड शेप, इन लोगों का शेप कैसे रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा, ओके, विथ स्मॉल ओपनिंग लोकेटेड इन द सेंटर, सेम टू सेम जैसे कंट्रोल ग्रिड उसी टाइप का स्मॉल ओपनिंग है, सेंटर में रहेगा, कोएक्सियल विथ ट्यूब के एक्सिस के साथ कोएक्सियल रहेगा, ओके। सो ये है हमारा एनोड के बारे में। अब हम लोग देखते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बारे में, दो टाइप के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन प्लेट के बारे में, डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेपण होता है, कैसे विक्षेपित करते हैं। तो जैसे कि पता ही है, वन पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट होगा, वन पेयर ऑफ वर्टिकल प्लेट होगा, इसको हम लोग एक्स प्लेट भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस, एक्स प्लेट सॉरी वर्टिकल है वाई एक्सिस, वाई प्लेट्स। तो दोनों का काम हम लोग कल के में जो है वर्किंग वाले में देख चुके हैं कि वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेट होगा वो क्या करेगा, स्पॉट को लेफ्ट राइट मूव करवाएगा, जो वर्टिकल है वो अप एंड डाउन मूव करवाएगा, ओके। सो द प्लेट्स आर फ्लैटर्ड, फ्लैट रहते हैं लोग, सो एज टू अलाउ द बीम टू पास थ्रू देम विदाउट स्ट्राइकिंग द प्लेट्स, प्लेट्स में वो स्ट्राइक ना करें, इलेक्ट्रॉन बीम सीधे पास हो जाए, फ्लैटर्ड। देखा ही है डायग्राम फ्लैटर्ड। स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन ऑफ सीआरटी, द स्क्रीन मटेरियल ऑन इनर सरफेस ऑफ सीआरटी इज कॉल्ड फॉस्फर मटेरियल। अगर मैं स्क्रीन को देखूं, इस टाइप का समझ लो, इस टाइप का स्क्रीन है, ठीक, अंदर क्या रहेगा, फॉस्फर की कोडिंग रहेगी, ठीक है, तो अंदर की बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं, फॉस्फर। दिस मटेरियल ऑब्जर्व्स द
काइनेटिक एनर्जी ऑफ बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन का बीम है, बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड रीमिट्स इन फॉर्म ऑफ ल्यूमिनस स्पॉट, रीमिट करेगा उसको कौन से फॉर्म में, चमकीला बिंदु के फॉर्म में रीमिट करेगा, ल्यूमिनस स्पॉट और ब्राइट स्पॉट। द फ्रंट ऑफ सी आर टी इज कॉल्ड फेस प्लेट, दिस वन इज कॉल्ड फेस प्लेट, ये है आपका फेस प्लेट, जो फ्रंट रहेगा वो फेस प्लेट और पीछे फास्फर की कोटिंग। द फेस प्लेट इज फॉर्म्ड बाई प्रेसिंग मॉल्टन ग्लास इन मॉल्ड, पिघला हुआ ग्लास उसको प्रेस करेंगे मॉल्ड में, तो देखा है सामने वाला पोर्शन जो है ग्लास का रहता है, मॉल्टन ग्लास से बनता है, उसको क्या बोलेंगे, फेस प्लेट, और पीछे वाले में फॉस्फर की कोटिंग रहेगी, पुताई रहेगी। सम सी आर टी है फेस प्लेट मेड फ्रॉम फाइबर ऑप्टिक ऑल्सो, कुछ सी आर टी ऐसे होते हैं जो कि फाइबर ऑप्टिक से भी बनते हैं। ओके तो नेक्स्ट हम लोग कुछ इसके टर्मोलॉजी देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट आर यूज्ड इन सीआरओ और सीआरटी। फर्स्ट वन इज ग्रेटिकुले, तो स्क्रीन से रिलेटेड है ग्रेटिकुले, इट इज ग्रिड ऑफ लाइंस दैट सर्व एज स्केल फॉर टाइम फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज मेजरमेंट, स्केल का काम करता है। कैमरा में होता है ग्रिड ऑफ लाइंस, एक ऑप्शन रहता है, जाओगे तो देखोगे तो ग्रिड ऑफ लाइंस में ग्रिड आएगा ऐसे ऐसे करके, कुछ लाइंस आ जाएंगे जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे फोटो वगैरह लेंगे तो उसको मींस मीडियम वगैरह ये वगैरह मिडिल में सेट वेट करने के लिए, उसी टाइप का सीआरओ में देखे होंगे वो ग्रीन कलर का रहेगा, तो उसमें ऐसा ऐसा ग्रिड ऑफ लाइंस रहेगा जिसको देख करके हम लोग टाइम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज मेजरमेंट में उपयोग करते हैं स्केल के जैसे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो तीन चीज़ें ये हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ें, है क्या तीनों चीज़ें, कैथोडोल्यूमिनेशंस व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक फॉस्फर, जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फर से टकराता है इट राइजेस देयर एनर्जी लेवल, वो उसके एनर्जी लेवल को राइज कर देता है, बढ़ा देता है, दिस इज कॉल्ड कैथोडोल्यूमिनेशंस। जब फॉस्फर पे इलेक्ट्रॉन बीम टकराता है तो उसका एनर्जी लेवल कुछ बढ़ जाता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे कैथोडोल्यूमिनेशंस, कंफ्यूज नहीं होना है तीनों में। फ्लोरोसेंस, लाइट इज इमिटेड ड्यूरिंग फॉस्फर एक्साइटेशन, जब फॉस्फर एक्साइट होता है तो उससे लाइट निकलता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस, सिंपल। थर्ड, फॉस्फोरोसेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम इज स्विच्ड ऑफ, जब इलेक्ट्रॉन बीम को बंद करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम इज स्विच्ड ऑफ द फॉस्फर रिटर्न टू देयर इनिशियल स्टेट, फॉस्फर अपने इनिशियल स्टेट में वापस आता है एंड रिलीज लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी रिलीज करता है, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरोसेंस या बोलते हैं परसिस्टेंस। जब इलेक्ट्रॉन बीम को बंद करते हैं तो फॉस्फर अपने इनिशियल स्टेट प्रारंभिक अवस्था में वापस आता है तो वो लाइट रिलीज करता है, लाइट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरोसेंस। एक और चीज है एक्टिवेटर्स, दे आर मेनली मेटल्स सच एस सिल्वर कॉपर मैग्नीज क्रोमियम एंड दे इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉस्फर, फॉस्फर के कैरेक्टरिस्टिक को इफेक्ट डालेंगे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, सच एस ल्यूमिनस एफिशिएंसी को उसके और स्पेक्ट्रल इमिशन को, जगह नहीं था होपफुली आपको दिखाई दिखाई दे रहा होगा, ल्यूमिनस एफिशिएंसी और स्पेक्ट्रल इमिशन। सो हम लोग देखते हैं कौन कौन से टाइप के फॉस्फर का प्रयोग करते हैं और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सो लेट अस सी, तो देख लेते हैं कौन कौन से फॉस्फर का यूज होता है। तो फॉस्फर के टाइप हैं, P1 है, P4 है, P31 है, तीन मैंने एग्जांपल में लिया है, बाकी आपको भी कमेंट करना है, दो दो आपको फॉस्फर मटेरियल का कमेंट करना है, याद रहे केवल दो आपको कमेंट करने हैं। सो फ्लोरोसेंस मतलब एक्साइटेशन में कौन सी लाइट निकलती है, तो येलो ग्रीन टाइप की लाइट निकलती है। फॉस्फोरोसेंस मतलब बंद करने पर कौन सी लाइट निकलती है, येलो ग्रीन की निकलती है, इसका मेन एप्लीकेशन है फोटोग्राफी में। सेकंड वन है आपका P4 में आपका फ्लोरोसेंस रहेगा वाइट, फ्लोरोसेंस मतलब एक्साइटेशन लेवल वाला वाइट, और जब बंद कर देंगे इलेक्ट्रॉन बीम को तो येलो निकलेगा, इसका उपयोग होता है टीवी में, नॉर्मली P4 का यूज़ होता है टीवी कम्युनिकेशन में। और P31 है आपका ग्रीन और आपका है ग्रीन, दोनों में ग्रीन ग्रीन निकलेगा, और इसका जो है जनरल पर्पज़ CRO में इसका यूज होता है, तो नॉर्मली जो है P31 का उपयोग होता है CROs के लिए। तो एक छोटा सा चार्ट था, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फर्स्ट वन जो है कि दो फॉस्फर टाइप के मटेरियल आपको करने हैं और उसके एप्लीकेशन लिखने हैं कि मेन एप्लीकेशन उसका कहाँ पे होता है, यहाँ एप्लीकेशन लिखेंगे आप दो फॉस्फर टाइप के बारे में, और दूसरा आप एक लाइन में लिखेंगे आप
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग से क्या समझते हैं, एक लाइन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दो प्रकार के फोकसिंग हमने पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन दोनों फोकसिंग में अंतर क्या है, एक लाइन में फोकसिंग लिख देंगे एक दो लाइन में, और दो फास्फर टाइप के मटेरियल के बारे में लिख करके आप जो है कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सीआरओ के ब्लॉक डायग्राम के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद सभी का।